बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ड व्यूअर्स। इंग्लिश ग्रेड 4 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग यूनिट नंबर 9 मैनर्स आदाब, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और वो वीडियो थी यूनिट नंबर 9 में मौजूद पोइम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन पर। इसमें हम लोगों ने गेटिंग स्टार्टेड के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज भी करेंगे और उसके साथ साथ रिव्यू 3 एक्सरसाइज जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और उसके साथ साथ ये जो ट्रांसलेशन की एक्सप्लेनेशन की वीडियो है वो भी काइंडली आप अगर देख लेंगे तो इस एक्सरसाइज को करने में आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। तो बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। ओरल कम्युनिकेशन, जबानी बोल चाल, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना, 3 साउंड्स ऑफ ईडी, ईडी की 3 आवाज़ें, रीड द डिफरेंट साउंड्स फॉर द ईडी एंडिंग इन वर्ड्स, अल्फाज में ईडी इख्तिताम के मुख्तलिफ आवाज़ों को पढ़ना है हमने। तो इस पॉइंट को पढ़ने से पहले रीड मी, मुझे पढ़ें। इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर्स पी के एस एच सी एच एस एफ, अगर इन पर इख्तिताम हो, यानी कि अगर ईडी से पहले दर्जिल हरूफ पी के एस एच सी एच एस और एफ पर हो तो आखिरी आवाज इनकी क्या बनेगी जी? ये देखें, रेड में देखें टी, तो इनकी आखिरी आवाज टी बनेगी। इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर्स बी जी आई जे एल एम एन ओ यू वी जेड, अगर ईडी से पहले दर्जिल हरूफ बी जी आई जे एल एम एन ओ यू वी जेड हो तो then the ending sounds will be D, तो आखिरी आवाज D होगी। If the ED ending follows the letters T or D, अगर ED से पहले दर्जिल हरूफ T or D हो, then the ending sound will be ID, यानी ID होगी। ठीक है जी, अब ये देखें, D पे खत्म होने, it's loved, loved, tired, tired, behaved, behaved। अच्छा जी, फिर देखिए आईडी पे खत्म होने, विजिटेड, पेंटेड, डिसाइडेड, टी पे खत्म होने वाले साउंड, वॉच्ड, ड्रॉप्ड, आस्क्ड। ठीक हो गया जी? तो ये बहुत ही अहम पोर्शन है, इसको जरूर समझना है आप लोगों ने। सेकेंड है जी, से द वर्ड्स एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, अल्फाज को कहें और उन्हें दुरुस्त कॉलमों में लिखें, यानी कि हमने इन अल्फाज को पढ़ना भी है, यानी कि वांटेड, हेल्प्ड, रब्ड, मोटिवेटेड, थैंक्ड, लव्ड, स्टार्टेड, पुश्ड, क्लोज्ड। अब हमने इन्हें डी, आईडी और टी में लिखना है। तो हेल्प्ड, रब्ड, लव्ड, ये डी पे आता है, आईडी इट साउंड में है जी, वांटेड, मोटिवेटेड, स्टार्टेड, और टी पे खत्म होना है जी, थैंक्ड, पुश्ड, क्लोज्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए हमने सीखना है। अब रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए मुकालमे को पढ़ना है और मशक करनी है। तो इसमें डायलॉग है जी, दो लोगों के दरमियान है, सिद्रा और उनकी वालदा के दरमियान। सिद्रा कहती हैं गुड मॉर्निंग मामा, मामा सुबह बखैर। मदर वालदा कहती हैं जी गुड मॉर्निंग डियर सिद्रा, प्यारी सिद्रा सुबह बखैर। सिद्रा कहती हैं मामा शैल आई कम एंड हेल्प योर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी, मामा क्या मैं आऊँ और आपकी अपना नाश्ता बनाने के लिए मदद करूँ? तो मदर कहती हैं जी यस श्योर, जी हाँ। फर्स्ट टेल मी, सबसे पहले मुझे बताइए, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ एंड टुक अ बाथ, पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपने दांतों को साफ कर लिया है और गुसल कर लिया है?
तो सिद्रा कहती हैं यस आई हैव ब्रश्ड माय टीथ, जी हाँ मैंने दांत साफ किए हैं, बट हैव नॉट टेकन अ बाथ येट, मगर अभी गुस्सल नहीं किया। तो मदर वालदा कहती हैं गो एंड टेक अ बाथ फर्स्ट, जाइए पहले गुस्सल कीजिए, देन आई विल सर्व यू ब्रेकफास्ट, फिर मैं आपको नाश्ता दूंगी। वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आर पर्सनल हाइजीन, हमें हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सिद्रा कहती हैं जी ओके शो ममा, सिद्रा कहती हैं यकीनन ठीक है ममा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी इंगेज स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप डिस्कशन एंड आस्क देम टू शेयर सम गुड मैनर्स विच दे अडॉप्ट इन देयर डेली लाइव्स। अब तुलबा को ग्रोह में मुबासे में मशगूल करना है जी, और उन्हें वो अच्छे आदाब शेयर करने का कहें जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में वो इख्तियार करते हैं। तो ये बच्चों प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपके मोहतरम असातिज़ा किराम आपसे करवाएंगे, और जिस जो जो अपने घर में ये मतलब जो जो आदाब का ख्याल रखता है वो अपने इन आदाब को शेयर करेगा। नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ने का अदराक, रीडिंग पढ़ना और तनकीदी सोच, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का अदराक, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब आप दें। हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, शुड वी फॉलो टेबल मैनर्स, तो इन जवाबात को मुलाहिजा कीजिए जी। क्वेश्चन नंबर वन है हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, एक बच्चे को मेज पर किस तरह बर्ताव करना चाहिए। अ चाइल्ड शुड बिहेव गुड मैनर्स एट द टेबल, एक बच्चे को मेज पर खाने के अच्छे आदाब का ख्याल रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दो है जी शुड वी फॉलो टेबल मैनर्स, क्या हमें खाने के आदाब पर अमल करना चाहिए। यस जी हाँ वी शुड फॉलो टेबल मैनर्स, जी हाँ हमें खाने के आदाब पर अमल करना चाहिए जी। रीड एंड गिवन टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स जी, अब आपने क्या करना है जी मुतालिया करना है गिवन टाइटल दिए गए उनवानात का एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स और फहरिस्त मजामीन का, देन फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर खाली जगह पुर करनी है। तो कंटेंट्स में देखें जी पेज नंबर वन पे है जी ग्रेट कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले खलीफा, पेज नंबर 13 पर है ब्यूटी ऑफ नेचर फितरत की खूबसूरती, और पेज नंबर 22 पर है द जर्नी ऑफ चॉकलेट चॉकलेट का सफ़र, इंग्लिश ग्रेड 4 है। अब रीड मी है जी द टेबल ऑफ कंटेंट्स हेल्प अस टू फाइंड डिफरेंट चैप्टर्स इन अ बुक, फहरिस्त मजामीन में किताब में मुख्तलिफ अबवाब को तलाश करने में हमारी मदद होती है। ठीक है जी टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली क्या करती है जी किताब में मुख्तलिफ अबवाब को ढूंढने में मदद फराहम करती है। अब देखें द टाइटल ऑफ द बुक इज इंग्लिश 4, अब जो टाइटल था किताब का वो है जी इंग्लिश 4, द टाइटल ऑफ यूनिट 3 इज द जर्नी ऑफ चॉकलेट, और थर्ड है जी द टाइटल ऑफ द यूनिट स्टार्ट्स ऑन पेज 22 इज ऑल्सो द जर्नी ऑफ चॉकलेट, ठीक हो गया। चले जी नेक्स्ट है जी रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, सबक को दोबारा पढ़ना है जी और खाली जगह को दुरुस्त ऑप्शंस के साथ टिक करना है। सबसे पहले है जी द पोएट डैश रोड द पोम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, ये किसने लिखा थी जी रॉबर्ट लुइस स्टीवसन, स्टीवसन ने लिखी थी तो हमने यहां पर ये लिख दिया। नेक्स्ट है जी इन द पोम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट डैश, किसके बारे में बात की थी मैनर्स जिम्मेदारी के बारे में आदाब के बारे में। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज डैश, एक बच्चे को वही करना चाहिए क्या क्या बोलना चाहिए जी व्हाट इज ट्रू जो सच है। और लास्ट है जी अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द डैश, तो बच्चे को डैश पर आदाब से पेश आना चाहिए टेबल खाने की मेज पर, तो बच्चे को खाने की मेज पर बेहतरीन आदाब से पेश आना चाहिए जी। एनालिटिकल रीडिंग है जी तज्जियाती पढ़ाई, लुक फॉर अ पोम ऑन द इंटरनेट अबाउट गुड मैनर्स, इंटरनेट पर अच्छे आदाब के मुतालिक नज़म तलाश करें, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक और उसे अपनी कॉपी पर लिखें। तो बच्चों मुझे जेलेट बर्गस जो हैं उनकी एक पोम मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, मुलाहिजा कीजिए जी। पोम है जी द गूप दे लिक देयर फिंगर्स एंड गूप दे लिक देयर नाइव्स, दे स्पिल देयर ब्रोथ ऑन द टेबल, ओह दे लीड डिसगस्टिंग लाइव्स।
द गुप्स दे टॉक वाइल ईटिंग एंड लाउड एंड फास्ट दे च्यू एंड दैट इज वाई आई एम ग्लैड दैट आई एम नॉट अ गुड आर यू। ठीक है जी, गुप एक बच्चे को कहते हैं जी। दे लिक देयर फिंगर्स, अपनी उंगलियां चाटते हैं। गुप दे लिक देयर नाइव्स, अपनी जो कांटे होते हैं उन्हें चाटते हैं। वो स्पिल फैला देते हैं यखनी को, शोरबे को मेज पर। ओह दे लीड डिसगस्टिंग लाइव्स, बड़ी ही खतरनाक जिंदगी वो बसर करते हैं। द गुप्स दे टॉक वाइल ईटिंग, बच्चे जो हैं वो खाते हुए बोलते हैं। एंड लाउड एंड फास्ट दे च्यू, ऊंची ऊंची आवाज़ में वो चबाते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई एम ग्लैड दैट आई एम नॉट अ गुड आर यू। तो वो कहते हैं यही वजह है कि मैं खुश हूँ, दैट आई एम नॉट अ गुड आर यू, मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या आप अच्छे हैं जी। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज फोकस। तो लैंग्वेज फोकस है जी ज़ुबान पर तवज्जो देने। वोकैबुलरी बिल्डिंग पर आते हैं जी। वोकैबुलरी बिल्डिंग कहते हैं जी ज़खीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मुआनी के साथ हमने पढ़ना है। बिहेव है बर्ताव करना, एक्ट अमल करना। मैनरली अदब से, इन अ वे दैट शोज़ गुड मैनर्स, वो तरीका जिससे अच्छे अदाब जाहिर हों। एट लीस्ट कम अज़ कम, नॉट लेस देन कम अज़ कम, एबल काबिल, टू हैव द स्किल टू डू समथिंग, कुछ करने की सलाहियत रखना। अब बहुत ही अहम चीज़ आ रही है जी बच्चों, सिमिलीज। सिमिलीज बोलते हैं तशबीहात। रीड द गिवन सेंजाज फ्रॉम डिफरेंट पोम्स टू नोटिस द यूज ऑफ हाईलाइटेड सिमिलीज, मुख्तलिफ नज़मों के बंद को पढ़ें और नुमाया की हुई तशबीहात का इस्तेमाल देखें। तो एन एमर्ड इज एज ग्रीन एज ग्रास, एज ग्रीन एज ग्रास, ये सिमिलीज। अ रबी रेड एज ब्लड, ठीक है जी, लाल इतना सुर्ख होता है जितना कि खून। As far shines as blue as heaven, ठीक है जी, इतना नीला होता है जी जितना के आसमान। A flint lies in the mud, अच्छा जी। Next है जी twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky, तो like a diamond in the sky। Read भी मुझे पढ़े। A simile, तशबीह जो है, is a word, एक ऐसा लफ्ज है और phrase या जुमला है used to compare two things, जो दो चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए होता है, by using the words like or as। like और as का इस्तेमाल करते हुए हम इन दोनों चीज़ों का मवाजना करते हैं। फॉर example, मिसाल के तौर पर, as brave as a lion, इतना दिलेर के शेर, like a diamond हीरे की तरह, ठीक है जी। अब next है जी use the given similes in your own sentences and write them in your notebook, तो बच्चों इनको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। तो ये एक अमली काम है, ये आपके मोहतरम असातिज़ा कराम जो हैं वो आपको करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग टू स्पेल। अब हिजे करना सीखना है जी। फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड लर्न द स्पेलिंग, छोड़े गए हरूफ पुर करें और हिजे करना सीखें। बिहेव, इसमें एच आएगा, इसमें टी आएगा तो टेबल बन जाएगा, इसमें एस आएगा स्पोकन बन जाएगा, इसमें एच आएगा तो चाइल्ड बन जाएगा, और इसमें आर आएगा तो ट्रू बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी ग्रामर पर, पोजेसिव प्रोनाउंस जी। ग्रामर में हमने आना है जी, पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं मलकियती इसमें जमाय। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस, दिए गए जुमलों को पढ़ें और मलकियती इसमें जमाय के इस्तेमाल पर गौर करें। रीड मी सबसे पहले मुझे पढ़ें। अ पोजेसिव प्रोनाउंस शोज ओनरशिप, मलकियती इसमें जमीर मलकियत को जाहिर करते हैं। माई, आर, योर, हिज, हर, ईटीसी, जिसमें मेरा, हमारा, आपका, उसका वगैरह आर पोजेसिव प्रोनाउंस, मलकियती जमायर हैं। आई हैड बॉट माई न्यू फोन, मैंने अपना नया फोन खरीद लिया। वी हैव सोल्ड आर ओल्ड हाउस, हम अपना पुराना मकान बेच चुके हैं। अली इज वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर, अली अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा है। कुड यू प्लीज गिव मी योर कैमरा, क्या आप बराए मेहरबानी अपना कैमरा दे सकते हैं। शी हैज लॉस्ट हर हैंड बैग, वो अपना हैंड बैग खो चुकी हैं। द पैरट इज ईटिंग इट्स फूड, तोता अपना खाना खा रहा है। अब है जी मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजेसिव प्रोनाउंस गिवन अबव इन योर नोटबुक, वो मुलाहिजा कीजिए। तो ये है जी, दिस इज आर हाउस, ये हमारा घर है। इट इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। दैट इज योर साइकिल, वो आपकी साइकिल है। दिस इज हर हेयर ब्रश, ये उसके बालों का कंघा है। इट इज़ अ पैरट, इट्स बीक इज रेड, ये एक तोता है और उसकी चूंच सुर्ख है।
नेक्स्ट है जी यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट। शुड और शुड नॉट का इस्तेमाल करना है। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट। दिए गए जुमलों को पढ़ें और शुड नॉट के इस्तेमाल पर गौर करें। रीड में सबसे पहले मुझे पढ़ें, शुड इज यूज टू मेक रिकमेंडेशंस, टू गिव एडवाइस और टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन। शुड सिफारिशात नसीहत करने या फ्राइज के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुड नॉट इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस, शुड नॉट को मनफी जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। अब मुलाहिजा कीजिए जुमले, वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर रोज पानी के कम अज कम 8 glass पीने चाहिए। यू शुड लिसन टू योर टीचर केयरफुली, आपको अपने उस्ताद को तवज्जो से सुनना चाहिए। अबीरा शुड कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम, अबीरा को अपना होमवर्क वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप, आपको एक लंबे ट्रिप के बाद आराम करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन, बच्चों को बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। दिए गए जुमलों को पढ़ें और दुरुस्त ऑप्शन को दायरा लगाएं। वी शुड नॉट स्पीक रूडली टू अदर आर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों के साथ गुस्से से बेअदबी के साथ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, यह सर्कल कर दिया। यू शुड नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम, आपको मुकर्रर वक्त पर स्कूल जाना चाहिए या स्कूल नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, इसलिए शुड को सर्कल कर दिया गया है। शी शुड नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स, उन्हें बहुत ज्यादा चॉकलेट खानी चाहिए या खानी नहीं चाहिए? तो ज्यादा खाना खतरनाक है, इसलिए शुड नॉट आएगा। ही शुड नॉट स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजिशन, उन्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए पहली पोजिशन के लिए? तो पढ़ना चाहिए, शुड आएगा। वी शुड नॉट फॉलो गुड मैनर्स, हमें अच्छे आदाब की पैरवी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, इसलिए शुड को सर्कल कर दिया। मेक 6 sentences ऑफ योर ओन यूजिंग शुड एंड शुड नॉट एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में शुड और शुड नॉट का इस्तेमाल करके खुद से 6 फिक्रात बनाइए, तो वो मुलाहिजा कीजिए। फर्स्ट है जी, वी शुड डू आर होमवर्क ऑन टाइम, हमें अपना होमवर्क वक्त पर करना चाहिए। दे शुड अवॉइड बैड हैबिट्स, उन्हें बुरी आदतों से बचना चाहिए। शी शुड हेल्प हर मदर, उन्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। ही शुड नॉट टेल अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट स्टील अदर्स थिंग, आपको दूसरों की चीज़ें नहीं चुरानी चाहिए। वी शुड नॉट यूज बैड नेम्स, हमें बुरे नाम इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है जी, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले अल्फाज। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स। दिए गए जुमलों को पढ़ें और जोड़ने वाले अल्फाज के इस्तेमाल पर गौर करें। सबसे पहले रीड मी मुझे पढ़ें, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ज्वाइनिंग वर्ड्स जो होते हैं, जोड़ने वाले अल्फाज, लफ्जों को जोड़ने या फिक्रों के लिए और सेंटेंसेस या जुमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सम ज्वाइनिंग वर्ड्स आर एंड और बट ईटीसी, कुछ जोड़ने वाले अल्फाज एंड और बट वगैरह हैं जी। अ चाइल्ड शुड स्पीक एंड बिहेव मैनरली एट द टेबल, एक बच्चे को मेज पर अदब से बोलना और बर्ताव करना चाहिए। डू यू वॉन्ट टू ईट पैनकेक्स और एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, क्या आप नाश्ते में पैनकेक या अंडे लेना चाहते हैं? उमर वॉन्टेड टू ड्राइव टू द मॉल बट हिज कार वुड नॉट स्टार्ट, उमर मॉल पर जाना चाहता था लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई। माई मदर बॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मेरी वालदा मार्केट से फल और सब्जियां खरीद लाई। मिंसा रीड्स स्टोरी बुक्स बट शी डज नॉट लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर, मिंसा कहानियों की किताबें पढ़ती हैं लेकिन वो अखबार पढ़ना पसंद नहीं करती। डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल, क्या आप फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं? राइट 3 sentences ऑफ योर ओन यूजिंग एंड बट एंड और, तो एंड बट और का इस्तेमाल करते हुए 3 जुमले बनाने हैं बच्चों। एंड आई हैव अ बुक एंड अ पेंसिल, मेरे पास एक किताब और पेंसिल है। बट आई हैव अ पॉइंटर बट इट डज नॉट राइट, मेरे पास एक पॉइंटर है मगर वो नहीं लिखता। और यू विल गेट आइदर मिल्क और स्वीट्स, आपको दूध या टॉफियां मिलेंगी। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हैं अतवार के मुतालिक अफआल,
मैनर कहते हैं तौर तरीके को. रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स. जी, दिए गए जुमलों को पढ़ें और अतवार के मुतालिक अफाल के इस्तेमाल पर गौर करें. रीड में सबसे पहले मुझे पढ़ें जी एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स. टेल अस द मैनर और वे इन विच समथिंग हैपन्स. अतवार के मुतालिक अफाल हमें बताते हैं कि कोई चीज किस अंदाज में या किस तरह वाक्य हुई. सारा वॉशिज हर हैंड्स स्लोली. सारा आहिस्ता से अपने हाथ को धोती है. अहमद प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली. अहमद खूबसूरती से पियानो बजाते हैं. दे वॉक इन द पार्क क्विकली. वो पार्क में तेजी से चलते हैं, सैर के लिए जाते हैं. स्पीक टू योर एल्डर्स पोलाइटली. अपने बड़ों से शाइस्तगी से बात कीजिए. सर्कल दी एडवर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस. दिए गए जुमलों में एडवर्ब्स को आपने सर्कल करना है. द कार अवॉइडेड द मोटर बाइक ईजिली. ईजिली एडवर्ब है, इसे सर्कल कर दिया. कार ने आसानी से मोटरसाइकिल को बचाया. इट्स कोल्ड आउटसाइड सो यू नीड टू ड्रेस अप वार्मली. वार्मली को हमने सर्कल किया है, ये एडवर्ब है. बाहर सर्दी है इसलिए आपको गर्म कपड़े पहनने की जरूरत है. ही डज एक्सरसाइज रेगुलरली. तो रेगुलरली जो है ये एडवर्ब है और वो बाकायदगी से वर्जिश करता है. कंप्लीट योर होमवर्क केयरफुली. केयरफुली एडवर्ब है इसलिए सर्कल कर दिया. अपना होमवर्क एहतियात से मुकम्मल कीजिए. वी हैव वॉन द मैच लकीली. लकीली एडवर्ब है, इसे मैंने सर्कल कर दिया. हम खुशकिस्मती से मैच जीत चुके हैं. नेक्स्ट है जी बच्चों पंक्चुएशन. पंक्चुएशन कहते हैं रमूजे औकाफ. री राइट द गिवन सेंटेंसेज बाई यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क्स इन योर नोटबुक. दिए गए फिकरात को दुरुस्त बड़े हरूफ़ तहजी और रमूज़े औकाफ लगाकर अपनी कॉपी में दोबारा लिखें. तो यहाँ पर मैंने कर दिया, आपने अपनी कॉपी में करना है जी. कैपिटल पहला सेंटेंस में पहला लेटर, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, तो ये मैंने W कैपिटल कर दिया. वी शुड वॉश आर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हमें हर खाने से पहले और बाद में साबुन से अपने हाथों को धोना चाहिए. वाओ, ये पहला लेटर है इसलिए मैंने W कैपिटल लिखा. वाओ एक फीलिंग है इसलिए मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया. फिर व्हाट का W कैपिटल है. व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. लास्ट पे फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया. तो वाह क्या दिलचस्प कहानी है. माय अंकल इज़ अ गुड लुकिंग मैन. तो माई का M कैपिटल कर दिया और लास्ट पे फुल स्टॉप दे दिया कि मेरे चचा जो हैं वो एक जाजिब नज़र आदमी हैं. फादर बॉट सम एग्स अनियंस टमाटोज एंड पोटैटोज. इसमें फादर का F कैपिटल है. बॉट सम एग्स कोमा अनियंस कोमा टमाटोज एंड पोटैटोज फुल स्टॉप. अबू ने कुछ अंडे प्याज टमाटर और आलू खरीदे. जी राइटिंग है जी. राइटिंग है जी लिखना. लर्निंग टू राइट. हमने लिखना सीखना है जी, लिखने के लिए सीखना है. राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन इन योर नोटबुक. उससे पहले बच्चों रीड भी मुझे पढ़ना है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोम डिस्कसेस द मेन थॉट ऑफ द होल पोम. अब नज़म का मरकजी ख्याल पूरी नज़म के अहम ख्यालात पर बहस करता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेन आइडिया. इसे मरकजी ख्याल भी कहा जाता है. ठीक हो गया जी. अब हमने इसका मरकजी ख्याल लिखना है, वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए. राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन इन योर नोटबुक. अपनी कॉपी में इसका मरकजी ख्याल लिखना है, वो मुलाहिजा कीजिए. जवाब है जी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज दैट. अब नज़म का मरकजी ख्याल ये है दैट वी शुड स्पीक ट्रूथ एंड शो गुड टेबल मैनर्स. कि हमें चाहिए कि हम सच बोलें और खाने के आदाब का ख्याल रखें. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट है जी रीड फोर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट अ सिंपल पोम अबाउट ब्रशिंग योर टीथ यूजिंग देम. अब हमने नज़म जो चार हम आवाज अल्फाजों की फहरिस्त बनानी है और उन्हें इस्तेमाल करते हुए अपने दांतों को साफ करने पर एक सादा नज़म लिखनी है. तो राइमिंग वर्ड्स हैं जी क्लीन साफ बिटवीन दरमियान हेल्थ सेहत वेल्थ दौलत वाइल के दौरान स्माइल मुस्कुराहट ईट खाना स्वीट मज़ेदार. तो जो पोम लिखी गई है वो मुलाहिजा कीजिए. ब्रशिंग योर टीथ अपने दांतों को साफ करना. आई ब्रश माई टीथ टू कीप देम क्लीन.
मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं उन्हें साफ रखने के लिए. ऑन फ्रंट, ऑन बैक एंड इन बिटवीन, सामने से, पीछे से और दरमियान से. इफ आई ब्रश माई टीथ फॉर अ व्हाइल, अगर मैं अपने दांतों को थोड़ी देर के लिए ब्रश करूं, आई विल हैव गुड एंड हैप्पी स्माइल, तो मेरी मुस्कुराहट अच्छी और खुशगुन होगी. व्हेन आई डू नॉट ब्रश फॉर हेल्थ, जब मैं तंदुरुस्ती या सेहत के लिए ब्रश नहीं करता, आई फील लॉस्ट माई बॉडी वेल्थ, तो मैं अपने जिस्म की दौलत को खोया हुआ महसूस करता हूँ. एंड व्हेन आई वॉन्ट टू ईट, और जब मैं खाता हूँ, आई डोंट फील इट स्वीट, तो मैं उसे मज़ेदार महसूस नहीं करता. जी, क्रिएटिव राइटिंग टू, तख्लीकी तहरीर लिखना. राइट अ पोम यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में दिए गए हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए एक नज़म लिखें. प्लीज लीज, टर्न लर्न, फाइन काइन, फुस अश. तो पोम जो है वो मुलाहिजा कीजिए. पोम है जी मैनर्स आदाब तौर तरीकों पर. दिस ब्रश प्लीज गिव मी ऑन लीज, ये ब्रश जो है मेहरबानी करके मुझे उधार दीजिए. इट इज़ माई टर्न एज आई ऑफन लर्न, ये मेरी बारी है जैसे कि मैं अक्सर सीखता हूँ. वी ट्राई टू फाइंड एंड यूज वर्ड्स काइंड, हमें अब खोजने हैं, खोज लगानी है वो अल्फाज जो शाइस्ता मेहरबानी के हैं. हार्श वर्ड्स कॉज फस, सख्त अल्फाज हंगामा खड़ा करते हैं. अमंग फ्रेंड्स एंड अस, हमारे और दोस्तों के दरमियान. जी, यूनिट 9 की एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर हुई. अब हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे. जी, रिव्यू 3 है, ओरल कम्युनिकेशन. अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन पे आना है, जुबानी बोलचाल. लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना है. रीड द गिवन सेंटेंसेस, अंडरलाइन द वर्ड्स विद ईडी एंडिंग्स एंड राइट देम इन देयर रेलिवेंट कॉलम्स. दिए गए जुमलों को पढ़ें, ईडी पर खत्म होने वाले लफ्जों को अंडरलाइन करें और उनको उनके मुतल्लिका कॉलमों में लिखें. दे वॉक्ड इन द मॉर्निंग, अब ये मैं अंडरलाइन कर दिए. वॉक्ड, ग्रांटेड, लिव्ड, डिसाइडेड, शोड और वॉच्ड. अब जरा मैं इन्हें पढ़ने लगा हूं. दे वॉक्ड इन द मॉर्निंग, उन्होंने सुबह की सैर की. हिज टीचर ग्रांटेड हिम परमिशन टू गो, उसके उस्ताद ने उसे जाने की इजाजत दे दी. दे लिव्ड इन लाहौर विद देयर फैमिली, वो लाहौर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. हिज फादर डिसाइडेड टू बाय अ न्यू हाउस, उनके वालिद साहब ने एक नया घर खरीदने का फैसला किया. रिदा शोड अ न्यू पेंटिंग टू द क्लास, रिदा ने एक नई पेंटिंग जमात को दिखाई. यस्टरडे ज़ारा वॉच्ड अ मैच, कल ज़ारा ने एक मैच देखा. तो अब हमने इन अंडरलाइन वर्ड्स को लिखना है जी, डी आई डी और टी में. लिव्ड, रहा. शोड, दिखाया. ग्रांटेड, अता किया या दिया. डिसाइडेड, फैसला किया. वॉक, चला. वॉच्ड, देखा. जी, राइट अ वर्ड विद ईच वोल साउंड इन द टेबल बिलो. अब इन राइट अ वर्ड लव्स लिखने हैं जी, विद ईच वोल साउंड इन द टेबल बिलो. अब दिए गए हर हर्फ इल्लत की आवाज के लिए एक एक लव्स लिखना है. शॉर्ट वोल साउंड है जी और लॉन्ग वोल साउंड है. हरूफ इल्लत की मुख्तसर आवाज और हरूफ इल्लत की लंबी आवाज. तो इसमें एक चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट वोल जो होते हैं उनमें ये जो साउंड है जिससे ये बोले जाते हैं, जैसे कि ए, तो इसमें नहीं होगा. इसमें है मैन, तो एम ख़त्म करें तो एन, और एन ख़त्म करें, एम ख़त्म करें तो ए बचता है, तो ये तो ए है. तो इधर देखें, ग्रेप्स. जी आर ख़त्म करें तो एप्स, ठीक है जी. और पी एस ख़त्म करें तो ए, यानी ए बनता है. फिर इसी तरह है पेट, तो पी ख़त्म करें तो एट, और टी ख़त्म करें तो ए. लेकिन इसमें है जी बीप, बी ख़त्म करें तो ईप, और पी ख़त्म करें तो ई बनता है. ये है आई, ये इधर है किट, ई के ई टी, किट. के ख़त्म करें तो ई इट बनता है, टी ख़त्म करें तो ई रहता है, और ये तो आई है. तो ये है काइट, के ख़त्म करें तो आइट, और टी ख़त्म करें तो आई बचता है. इसी तरह फॉक्स, ये शॉर्ट वॉल हो गया. गो, ये लॉन्ग वॉल हो गया. बट, ये शॉर्ट वॉल हो गया. और क्यूब, ये लॉन्ग वॉल हो गया. ठीक है जी. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, अब हमने इसको पढ़ना है जी और तनकीदी तौर पर इसे सोचना है. आंसर द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए सवालों के जवाब देने हैं. व्हाट इज योर फेवरेट कल्चरल फेस्टिवल एंड व्हाई, राइट सम गुड स्टडी हैबिट्स, व्हाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील. इन सवालों के जवाब मुलाहिजा कीजिए.
जी, व्हाट इज योर फेवरेट कल्चरल फेस्टिवल एंड व्हाई? आपका पसंदीदा सकाफती त्यौहार कौन सा है और क्यों? मेला चरागा इज माई फेवरेट कल्चरल फेस्टिवल। मेला चरागा मेरा पसंदीदा सकाफती त्यौहार है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स आवर कल्चर, क्योंकि ये हमारी सकाफत की अकासी करता है। क्वेश्चन नंबर टू, राइट सम गुड स्टडी हैबिट्स। मुताला करने की चंद आदात लिखें। स्टडी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, लर्न योर क्लास वर्क डेली। टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ेंगे नंबर वन। नंबर टू, लर्न योर क्लास वर्क डेली, अपने क्लास का काम रोजाना याद करें। नंबर थ्री, राइट इट आफ्टर लर्निंग, याद करने के बाद उसे लिखें। ये तीन है जी अच्छी मुताले की आदत। वाई शुड वी वॉश आर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील? हमें अपने हाथों को खाने से पहले और बाद में क्यों धोना चाहिए? वी शुड वॉश आर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील टू अवॉइड जर्म्स एंड बैक्टीरिया। हमें खाना खाने से पहले और बाद में जरासीम और बैक्टीरिया से बचने के लिए अपने हाथ धोने चाहिए। जी क्वेश्चंस के बाद है जी, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिए गए अल्फाज को हर्फ के मुताबिक तरतीब दें, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, पहले हर्फ के मुताबिक, एंड लुक अप देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी, और फिर उनके मायने जो हैं वो डिक्शनरी में ढूंढें। अब यहाँ पर है जी हैबिट, स्टडी, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, मैनर्स। अब बच्चों हम लोगों ने क्या करना है जी, इनका जो सबसे पहला लेटर है वो हरूफ तहजी के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि अगर ए है तो पहले ए हो फिर बी हो। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है फेस्टिवल। फेस्टिवल क्योंकि एफ से बनता है, इनमें सबसे पहले जो लेटर आता है वो एफ है, तो फेस्टिवल का मतलब है बच्चों त्यौहार। दूसरे नंबर पर आता है हैबिट, अब हैबिट का मतलब है आदत। तीसरे नंबर पर आता है मैनर्स, मैनर्स का मतलब है आदाब। चौथे नंबर पर आता है स्टडी, स्टडी का मतलब है मुतालिया करना। पांचवें नंबर पर आता है ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन का मतलब है रिवायत। ठीक हो गया जी। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर एंड लुक अप देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी। दिए गए अल्फाज को दूसरे हर्फ के मुताबिक तरतीब दें और उनके मायने डिक्शनरी में लिखें। तो ये है हमारे पास वर्ड हैं जी, सेलिब्रेट, कल्चर, कंपटीशन, कैटल और क्लास। तो इनमें सबसे पहला जो लेटर है वो है जी सी, सी से बनता है कैटल, कैटल का मतलब है मवेशी। नंबर टू पे है बच्चों सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब है मनाना। नंबर थ्री पर है क्लास, क्लास का मतलब है जमात। नंबर फोर पर है कंपटीशन, कंपटीशन क्या है जी मुकाबला। और नंबर फाइव पर है कल्चर, तो कल्चर का मतलब है सकाफत। ठीक है जी। अच्छा अब आप देखें ज़रा कि ये पांचों अल्फाज सी से ही बन रहे हैं, इनके इनके पहले लेटर सी हैं, लेकिन हमने चूंकि सेकंड लेटर के मुताबिक देखना था तो इस एतबार से ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब है जी लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग है जी, ज़खीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को पढ़ने और उनके मायने लिखने हैं। तो बिहेव, ट्रेडिशन, सेलिब्रेट, चीयरफुल, इनवाइट, तो इनके मायने जो हैं वो मुलाहिजा कीजिए जी। बिहेव बर्ताव करना, टू डू थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे, खास अंदाज में चीज़ों को करना। ट्रेडिशन रिवायत, अ बिलीव और कस्टम, एतकाद या रिवाज। सेलिब्रेट मनाना, टू शो दैट अ डे इज इम्पोर्टेंट बाय डूइंग समथिंग स्पेशल, जाहिर करना कि एक दिन कुछ खास करने के लिए अहम है। चीयरफुल हैप्पी, खुशगवार, हैप्पी खुश। इनवाइट दावत देना, टू आस्क समबडी टू कम टू अ स्पेशल सोशल इवेंट, किसी को समाजी तकरीब पर आने का कहना जी। राइट सेंटेंसेस विद द गिवन मोडाल वर्ब्स इन योर नोटबुक। ये बच्चों अब आपका अमली काम है, इसको आपने खुद करना है। नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द एडवर्ब्स। अब हमने क्या करना है जी, दिए गए मतन को पढ़ें और मुतालिक अल्फाल के गिर्द दायरा लगाएं। वन डे, एक दिन, निदा वॉज वॉकिंग स्लोली टू स्कूल। निदा आहिस्ता से स्कूल जा रही थी। ऑन द वे शी सॉ अ पुअर बैग अंडर अ ट्री। ये मेरे से गलती से हो गया है, ये अंडर प्रेपोजिशन है, ये एडवर्ब नहीं है जी। एक दिन शी सॉ, उन्होंने देखा, एक दरख्त के नीचे एक गरीब भिखारी देखा। ही ऑलमोस्ट फेंटेड विद हंगर, ऑलमोस्ट एडवर्ब है, इसे मैंने सर्कल कर दिया। वो तकरीबन भूख से निढाल था, मतलब बेहोश होने वाला था। शी फेल्ट सॉरी फॉर द बैगर, सो शी क्विकली टुक आउट हर लंच बॉक्स। क्विकली ये एडवर्ब है, इसलिए इसे सर्कल किया है। तो उसने क्या किया जी, भिखारी पर तरस खाया और जल्दी से अपना लंच बॉक्स बाहर निकाला।
शी जेनरसली गेव इट टू हिम, जेनरसली बच्चों ये एडवर्ब है इसलिए सर्कल की है, उन्होंने बड़ी ही तर्स खाते हुए उसे दे दिया। द बैगर एट द फूड हंगरली, ये हंगरली है जी, ये हमारा एडवर्ब है, इसे मैंने सर्कल कर दिया है। इस फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, भिखारी ने भूखों की तरह उस खाने को खाया। ही थैंक्ड हर हैप्पीली, हैप्पीली फिर एडवर्ब है, और उसने खुशी से उनका शुक्रिया अदा किया। अच्छा जी नेक्स्ट है जी, री राइट द गिवन टेक्स्ट बाय एडिंग फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क करेक्टली इन योर नोटबुक। दिए गए मतन को फुल स्टॉप, सवालिया निशान और इस्तफामिया निशान लगाकर अपनी कॉपी में दोबारा लिखें। तो मैंने यहीं पर लिख दिया बच्चों, आप अपने इसे कॉपी में लिखेंगे। यासिर एक तो नेम है, प्रॉपर नाउन है, और उसके अलावा फिक्रे के शुरू में है इसलिए वाई कैपिटल होगा। वेंट टू विजिट अ नियर बाय मार्केट विद हिज अंकल, यासिर जो है वो अपने करीबी मार्केट में अपने अंकल के साथ गया फुल स्टॉप। नया जुमला है इसलिए एच कैपिटल होगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर फुल स्टॉप। नया जुमला है, एच कैपिटल होगा। ही सॉ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उसने ताज़ा फल और सब्जियां देखी फुल स्टॉप। ये नया जुमला है इसलिए टी कैपिटल होगा। द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वर सो कलरफुल, फल और सब्जियां बहुत ही रंग बिरंगी थी फुल स्टॉप। फिक्रा ख़त्म हो गया। नया जुमला है जी, एच कैपिटल होगा। ही आस्क हिज अंकल वेयर द पेट शॉप, फिर उन्होंने क्या किया जी अपने वेयर द पेट शॉप वॉज, वॉज के बाद फुल स्टॉप होगा। फिर उसने अपने अंकल से पूछा पालतू जानवरों की दुकान कहाँ है। देन टी कैपिटल होगा। देन दे वेंट टू द पेट शॉप फुल स्टॉप, फिर वो पालतू जानवरों की दुकान पर गए। यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल होगा। इसकी दो वजूहत हैं, एक तो नया फिक्रा शुरू हो रहा है, दूसरे नंबर पर इन्वर्टेड कॉमास है। वाओ, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगी, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट दिस इज, और एक्सक्लेमेशन मार्क और ये इन्वर्टेड कॉमास हो गए। तो उसने कहा जी क्या खूबसूरत ये बिल्ली है। ही सेड टू हिज अंकल, उसने अपने चचा से कहा, अपने अंकल से कहा, बहुत खूब, ये कितनी खूबसूरत बिल्ली है जी। नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव प्रोनाउंस जी, खाली जगहों को मलकियती इसमें जमाइर से पूर करना है। डैश नेबर आस डैश फैमिली एंड मी टू वाटर डैश प्लांट्स जी, तो यहां पर आएगा जी माई नेबर, मेरे हमसाया, आस माई फैमिली, मेरे हमसाये ने मेरे खानदान वालों से पूछा टू वाटर देयर प्लांट्स, कि वो पौधों को पानी उसने देने का कहा वाइल दे वर ऑन वेकेशन जी। मेरे हमसाये ने जब वो छुट्टियों पर गए तो उस दौरान मेरे खानदान और मुझे पौधों को पानी देने का कहा। मंडे विल बी डैश डे टू वाटर माई डे टू वाटर, पीर का दिन मेरे पानी देने का दिन होगा। माई ब्रदर ऑफर टू टेक हिज टर्न ऑन ट्यूजडे एंड वेंसडे, मेरे भाई ने मंगल और बुध को अपनी बारी लेने की पेशकश की। माई मदर विल टेक हर टर्न ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, मेरी अम्मी जुमेरात और जुमा को पानी देने की बारी लेंगी। सो माई फादर ओनली हैज टू वाटर ऑन द वीकेंड, इस तरह मेरे अबू सिर्फ एक वीकेंड यानी हफ्ते पर पानी देंगे। लास्ट है जी हमारी इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन पोर्शन, राइटिंग लिखना। लर्निंग टू राइट है जी, लिखने के लिए सीखना। राइट इन योर नोटबुक अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के दरमियान एक मुख्तसर डायलॉग लिखना है। डिस्कसिंग हाउ टू सेलिब्रेट द स्प्रिंग फेस्टिवल इन देयर स्कूल, के बौसम बहार का त्यौहार स्कूल में कैसे मनाएं, इस पर बहस करना है एक दो दोस्तों के दरमियान। इसे आप अपनी कॉपी पर लिखें। तो जो डायलॉग है वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए जी। डायलॉग है जी फातिमा और अब्दुल्ला के दरमियान। फातिमा कहती हैं अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू, अस्सलामुअलैकुम, आप कैसे हो। अब्दुल्ला कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं। फातिमा कहती हैं डू यू नो स्प्रिंग फेस्टिवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, क्या आपको मालूम है मौसम बहार का त्यौहार अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। अब्दुल्ला कहते हैं यस, जी हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट शुड वी डू इन दिस ओकेजन, हमें इस मौके पर क्या करना चाहिए। फातिमा कहती हैं आई थिंक प्लांटिंग न्यू प्लांट्स वुड बी बेटर, मेरे ख्याल में नए पौधे लगाना बेहतर होगा। अब्दुल्ला कहते हैं ओह दैट्स गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, आई विल ग्रो माई प्लांट, मैं भी अपना पौधा उगाऊंगा। फातिमा कहती हैं आई विल ऑल्सो ग्रो माई प्लांट, तो मैं भी अपना पौधा उगाऊंगी। तो इसी के साथ वो कहते हैं जी टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, और यहाँ पर हमारा डायलॉग इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस वीडियो की एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज की समझ आई होगी। मैंने हत्तोल अमकान ये कोशिश की है कि तमाम चीज़ें
आपको बयान कर दूं ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीख सकें। अगर एक दो क्वेश्चंस थे तो वो अमली थे, इसीलिए वो मैंने स्किप किए हैं ताकि वो आपको आपके असातिज़ा कराम करवाएं। उसके साथ हमारे इस वीडियो का इख्तिताम होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा का, अपने वालदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।